तो ठंडी का मौसम आ चुका है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मेरा दोस्त बीमार हो गया था। मैंने उससे पूछा क्यों बीमार है, क्या हो गया? उसने बोल दिया बुखार आ गई है मौसम के बदलने से। अब मैं ठहरा साइंस वाला इंसान, मुझे बात में लॉजिक चाहिए। और मेरे मन में एक सवाल आने लगा, और वो सवाल है कि क्या मौसम के बदलने से हम बीमार हो सकते हैं, या फिर क्या मौसम के बदलने से हम बीमार होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से। तो क्या ये सच है कि हम मौसम के बदलने से बीमार पड़ते हैं, जैसे मेरा दोस्त बीमार हो गया था? तो इसका जवाब हाँ ना वाला कंडीशन है, पता नहीं बीच वाला। अब ये हाँ या ना वाला हिसाब क्यों है, कैसे है, ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारी बॉडी का। तो सिर्फ टेम्परेचर का बदलना काफी नहीं है हमें बीमार करने के लिए, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं। पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो मौसम सिर्फ टेम्परेचर का बदलना नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे फैक्टर होते हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो। और इसके बारे में हम बात करेंगे, नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे बनेगी। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी होती है वो बुखार होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कुछ सेकंड पहले कि सिर्फ टेम्परेचर ही काफी नहीं होता हमारी बॉडी को बीमार करने के लिए। जो वायरस होते हैं हमारे आसपास, बैक्टीरिया, वो भी बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमको बीमार करने में। हम उनको श्रेय नहीं देंगे तो वो दुखी नहीं मान लेंगे, मतलब वो इतनी मेहनत से हमको बीमार करते हैं तो क्या हम उनको श्रेय ना दें। और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि पर्सनल हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, अब कोई इंसान मिट्टी में लोट रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो क्या वो बीमार नहीं होगा? तो अब हम इन सभी जो फैक्टर्स हैं, सभी चीजों को कंबाइन करते हैं, और इस वीडियो का जो टॉपिक है क्या मौसम के बदलने से हम बीमार हो सकते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं आपको बीमार करने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो इसका साइंटिफिक प्रूफ दे सके कि मौसम के बदलने से हम बीमार होते हैं, क्या बात। पर कई सारे फैक्टर होते हैं और हमारे कुछ बिहेवियर होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। कई सारे डिफरेंट टाइप के जर्म्स होते हैं जो डिफरेंट सीजन्स में आते हैं, पर ये जितने टाइप के भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनका काम तो सिर्फ एक ही होता है और एक ही टाइप के सिम्टम्स देते हैं। सिम्टम्स क्या होता है मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। जो आपको कोई बीमारी होती है तो आपकी बॉडी उस बीमारी को दिखाता है सिम्टम्स के द्वारा। जैसे आपको बुखार हुई, तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है किसी बीमारी का। तो ये जो सारे जर्म्स होते हैं वो एक ही सिम्टम दिखाते हैं, भले ही कितने टाइप के होते हैं, इनका काम है एक है। तो अगर आप डिफरेंट टाइप के जर्म से बीमार पड़ते हैं डिफरेंट सीजन में, फिर भी बात यही आ जाएगी कि मौसम के बदलने से आपको बुखार आ गई। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है वो लोग बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं जैसे ही मौसम बदलता है, और वो लोग तब भी बीमार पड़ जाते हैं जब थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर ऐसे ऊपर नीचे जाता रहता है। इम्यून सिस्टम का मतलब मैं आपको बता दूं, इम्यून सिस्टम मतलब अपना डिफेंस मैकेनिज्म। और एक और जो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है मौसम के बदलने पे हमको बीमार करने में, वो है हमारी पर्सनल हैबिट्स। ठंडियों में ज्यादातर लोग जो होते हैं घर के अंदर बैठ जाते हैं, मग ले लेते हैं, अच्छा खासा चॉकलेट उसमें भर लेते हैं और उसको पीते रहते हैं, जो उनको गर्म रखती है, अच्छी बात है, वो लोग सोचते हैं कि हम मतलब ठीक है। और कुछ लोग ठंडी में बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ लेते हैं, और ये सब करने के बाद हमको लगता है कि वाह ठंडी आ गई, हम परफेक्ट हो गए, हम घर के अंदर हैं, हमको बीमारी नहीं होगी। पर अगर कोई इंसान घर के अंदर भी है, उसको भी इन्फेक्शन लगने का उतना ही खतरा है जितना खतरा जो इंसान घर के बाहर है। होता क्या है ना, जैसे कोई इंसान घर में है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मतलब अब घर में घुसा रहेगा जब तक ठंडी का मौसम रहेगा। कोई ना कोई इंसान तो घर से बाहर जाएगा ना, और अगर घर से बाहर जाएगा तो घर के अंदर आएगा, घर के अंदर आएगा तो बीमारियां लेके ही आएगा, तो ऐसे में भी घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। और जब एक इंसान घर का बीमार होता है, पूरा घर बीमार हो जाता है। तो अब ये सब सुन के हमको लग रहा है कि मौसम का बदलना और हमारा बीमार होना हमारी आदतें और बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि मौसम के बदलने से हम बीमार होते हैं? तो अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखें तो कई सारे फैक्टर होते हैं अगर हम बात करें कि मौसम के बदलने से हम बीमार पड़ते हैं या नहीं होते। पर सीधे सीधे बात करें तो मौसम के बदलने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हाँ हम मौसम के बदलने से बीमार होते हैं, पर बीमार तो हम बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। देखिए होता क्या है, जब मौसम बदलता है बाहर का टेम्परेचर बदलता है, हमारी बॉडी भी हमारे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करती है। और मौसम के तुरंत बदलाव से, एकदम तुरंत जब बदलता है टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी उतना जल्दी एक्ट नहीं कर पाती है, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर उतना जल्दी उस टेम्परेचर को गेन नहीं कर पाता जो टेम्परेचर आउटसाइड होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम लो है, मतलब की डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो इंसान तुरंत ही बीमार हो जाएगा मौसम के बदलने से। ऑल्दो अभी तक कोई
पैदा नहीं हुआ है जो इस बात को सीधे सीधे बोल सके, साइंटिफिकली प्रूव कर सके कि मौसम के बदलने से हम बीमार होते हैं। पर हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली फर्क पड़ता है मौसम का बदलना, और इंसान के ऊपर भी कई सारे फैक्टर होते हैं। ये सारी बातें कंबाइन करके आप अपना खुद का एक ओपिनियन बना सकते हैं। मैंने अपना ओपिनियन बहुत बार इस वीडियो में दे दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।